बात दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। इससे पहले कि ये बात घरों तक पहुंचे मुझे कुछ करना होगा। आप अब बात कोई ना कीजिएगा उनसे प्लीज। पहले वो इतने परेशान हैं, इस तरह और ज्यादा उनको। जैनब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाभी, क्या हाल है? ठीक हूँ, बैठो, तुम्हारा काम हो गया क्या? हाँ हाँ यू आर द बेस्ट। अच्छा है आप भी आई हुई है, आपसे भी मुलाकात हो जाएगी। ये क्या? तो सिर्फ 1 लाख रुपए है भाभी, इससे क्या होगा? इससे तो सिर्फ कमरे बनेंगे, फर्नीचर वगैरह का मैं क्या करूंगी, मैं कहाँ से पैसे लाऊंगी? तो मैं अपने ससुराल वालों के सिवा कुछ और नजर भी आता है कि नहीं? आपके जेब से थोड़ी जा रहे हैं ना पैसे, आपको क्या हो रहा है? आपा अपनी भाभी से मांग रही हो, अपने भाई के पैसे हैं, हक है मेरा। तुम अपना हक जताने के लिए किसी दूसरे का हक मार रही हो, ये कभी सोचा भी है तुमने? फरहान की माशाल्लाह दो दो बेटियां भी हैं, उनकी शादियां भी करनी है उसने, 10 खर्चे होते हैं, ये अपने शौहर से नहीं कह सकती तुम? आइंदा अपने हुकूक के लिए ना अपने शौहर के पास जाना, तुम्हारी शादी कर दी, अपना घर संभालो बस। मुश्किल से गुजारा होता है हमारा भाभी, आप तो जानती है ना कितना कमाते हैं वो, कहां से पूरा कर सकती हूँ मैं ये सब कुछ? जितना भी कमाते हैं ना उसी में खुश रहना सीख लो। अच्छा अच्छा छोड़ो ना, मैं और इंतजाम कर लूंगी, तुम ये तो रखो। कोई जरूरत नहीं है जैनब, उनके मैस के ससुराल जाके जरा देखती तो हूँ कि कितने ढीठ लोग हैं वो। कोई जरूरत नहीं आपको वहां जाने की। अल्लाह माफ करे, आप तो ऐसे कह रही है जैसे आपके जेब से जा रहे हो। भाभी ये ले, मुझे नहीं चाहिए, ले लें आप वापस। वो रखो ना, मैं बात कर लूंगी उनसे आज। वो अब मैं खदीजा को और आयशा को लेने जा रही हूँ, मेरा वेट कर रही होंगी। मैंने रिजवान से कह दिया है, वो लेता आएगा, तुम बैठो। चले अच्छा ये मसला तो हल हो गया ना भाभी। भाभी एक बात बताऊँ आपको, प्लीज किसी ड्राइवर का इंतजाम कर ले, मैं थक गई हूँ ये बगैर एसी की टैक्सियों में धक्के खा के। कोई चाय तो पिला दो। अच्छा